फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स, ये जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। बहुत से स्टूडेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये जो है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 का बी पार्ट करवा दें। तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे जो है वो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी पार्ट है, इसमें दो वैक्टर्स गिवन है, वी एंड डब्ल्यू। v वेक्टर हमारे पास क्या है, i माइनस 3j प्लस 4k, और w वेक्टर ai प्लस 9j माइनस 12k। तो इसमें हमने जो a है, कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। v वेक्टर लिखेंगे i माइनस 3j प्लस 4k, w वेक्टर a जो है वो हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 9j माइनस 12k। सिंस अगर दो पैरेलल है आपस में v एंड w, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सिंस v एंड W आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं V एंड W, तो इसके जो कोफिशियंट्स हैं, कोफिशियंट्स I J के और V के और W के, दोनों के कोफिशियंट जो हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, I ओवर 1, W का कोफिशियंट जो है वो A है, और v का कोफिशियंट i का जो है वो 1 है। j का आ जाएगा 9 ओवर माइनस 3, k का कोफिशियंट माइनस 12, और v वेक्टर का जो k कोफिशियंट है वो 4 है, माइनस 12 ओवर 4। थ्री जार 9 आ जाएगा, 4 थ्री जार 12। a इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पे जो है वो माइनस का साइन भी है साथ। तो सो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू जो आ रही है, a इज इक्वल टू माइनस 3। सिंपल क्वेश्चन है, a का जो फाइनल आंसर है वो माइनस 3 है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।